हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा ब्लॉग में। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी। चलिए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगता है। चलिए आइए। मैंगो फ्रूटी के लिए हमें चाहिए नींबू का रस, चीनी और ये केवड़ा जल या विनेगर ले सकते हैं। ये हमने एक काम ले लिया, इसके गुदे को निकालेंगे काट के। चलिए दिखाते हैं, आम को काट लिया है, अब इसके गुदे को निकाल लेते हैं। गाइस, हमने गुदे को निकाल लिया है आम के, अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमने मिक्सी में ले लिया है आम के गुदे को, अब चलते हैं पीस के दिखाते हैं। देखिए गाइस, हमने मिक्सी में पीस लिया आम के गुदे को, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, पीसने के बाद ऐसा होगा। अब इसे हम थाली में या कटोरे में निकाल लेते हैं। हमने आम के गुदे को पीस के निकाल लिया है, थोड़ा बहुत लगा हुआ है बचा, उसे हम थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा धो के निकाल लेंगे इसी में। गाइस, थोड़ा ही पानी डाला है हमने, अब इसे धो के निकाल लेते हैं। गाइस, ये हमने निकाल लिया है आम के गुदे को पीस के थाली में, अब इसे हम कढ़ाई में पकाएंगे। हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है, अब इसमें हम गुदे को डालेंगे। कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे पकाएंगे हल्के आंच पे, चलाते रहेंगे। कम आंच पे ऐसे ही चलाते रहेंगे इसे, कुछ देर इसे पकाएंगे अच्छे से। गाइज, इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये पक चुका है। अब इसमें हम चीनी को ऐड करेंगे। ये हमने चीनी डाल दिया है स्वाद अनुसार, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे चला देंगे अच्छे से, मेल तो हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम विनेगर और नींबू के रस को डाल देंगे। ये हमने नींबू का रस डाल दिया, हमने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, मिला देंगे। हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये रेडी हो चुका है, अब इसे हम छान लेंगे छन्नी में। हमने कटोरा लिया है, इस पे छन्नी रख के इस छन्नी से छान लेंगे ऐसे ही। थोड़े थोड़े करके आप बड़ा छन्नी लेंगे तो एक ही बार में कर सकते हैं। अच्छे से छान कर, चलिए छान के तो मिलते हैं। ठीक है गाइस, हमने छान लिया है। ठीक है, छानने के बाद ये निकला है छन्नी में और ये है सूप। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे गुनगुना। हमने थोड़ा सा पानी गुनगुना कर रहे हैं इसमें डालने के लिए। गाइस, हमने जो रस निकाला था, अब उसमें हम गुनगुना पानी ऐड करेंगे। ये गुनगुना पानी है, कच्चा पानी नहीं ऐड करना है। कच्चा पानी ऐड करने से कच्चा पन आएगा। सारे पानी को डाल देते हैं, अच्छे से मिला देंगे। फ्रूटी रेडी हो चुका है, अब इसे हम सर्व करेंगे। गाइज, हमारा फ्रूटी रेडी हो चुका है, आप भी बना के ट्राई करें घर पे। आसान है बनाना और बच्चों का फेवरेट भी है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।